मिर्चियों का सालन बना रही हूँ। देखिए ये 1.5 किलो प्याज है, ये इसको तली देखिए मैं, 1.5 खोपरा, 1.5 बोले तो तिल, 1.5 फल्ली है, देखिए 1.5 है ये, एक 2 छटाक बोले तो इमली है, 10 से 12 हरी मिर्ची है, ये 1/2 किलो मिर्ची है, देखिए मोटी मिर्ची, एक में से मैं 2 करी ऐसा, मैं ग्रीन सॉस डाल के बना रही हूँ। देखिए 2 चमचे जीरा है, 2 चमचे बोले तो धनिया है, देखिए ये पूरा भुंडली सो हूँ मैं, इसको भी भुनी मैं धनिया और जीरे को, इसको फल्ली को भी भुनी, देखिए फल्ली तिल खोपरा सो भुंडली मैं, ये बघार का है देखिए, 1 चमचा जीरा, 1 चमचा रई है, 1/2 चमचा मेथी दाना है, 1/2 चमचा बोले तो कलौंजी है, नमक तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना, 1/2 चमचा बोले तो हल्दी है, 2 चमचे अदरक लहसुन है, देखिए चाय के चमचे से, 1 कोथमीर कट्टा, 1 करियापाक कट्टा है, देखिए बघार को भी लेती हूँ मैं, उसमें सालन में भी डालती हूँ। देखिए आगे तक मेरा वीडियो देखिए, भगोना चढ़ी देखिए चूल्हे पे, तो इसमें 4 डुब्बे तेल डाल रही हूँ, देखिए तेल का डुब्बा रहता ना वो डुब्बे से 4 डुब्बे तेल डाल रही हूँ, चूल्हा कम पे रखिए, मसाले पीस रही हूँ, देखिए फल्ली खोपरा तिल है, इसमें हरी मिर्ची डाल के पीस रही हूँ, 4 चीज़ है देखिए, तो मैं इसको पूरा अच्छा बारीक पीस ली, देखिए थोड़ा पानी डाल के, ये देखिए थोड़ा पानी डाल के पीसे ना अच्छा पेस्ट अच्छा होता, उसके बाद मैं इसमें धनिया और बोले तो ज़ीरा पीस रही हूँ, देखिए तो मेरे पास पीसा हुआ था तो मैं इसमें फिर अलग ताज़ा पीस के डाल रही हूँ, तो ये भी बारीक पीस ली, देखिए चमचे से बता रही हूँ मैं, देखिए पूरा ये देखिए कितना बारीक हो गया, पूरा अलग अलग ताज़ा पीस से बात ही अलग रहती, तो अब इसमें 4 डुब्बे तेल डाली देखिए मैं डुब्बे से, तो मैं उसके बाद ये हरी मिर्ची को पूरा बीच में से कट कर ली, बीच में से 1 मिर्ची में 2-2 करी देखिए, तो इसको अच्छा तल ले रही हूँ, देखिए तो इसको अच्छा तल लेना, थोड़ा नमक डाल रही मैं इसके अंदर, नमक डाल के इसको तेज चूल्हे पे तल रही, देखिए मैं कम चूल्हे पे नहीं तल रही इसको, तो मैं बीच में से नहीं छीरी इसको, खाली 2 टुकड़े करके उसको ये करी, देखिए बीच में से 2 टुकड़े करी, बीच में से छीरते हैं तो मैं नहीं छीरी इसको, ऐसा भी एक बार पका के देखेंगे बोल के, तो मैं तल्ली देखिए, उसके बाद इसके अंदर राई जीरा कलौंजी मेथी है, देखिए 4 चीज़ है, इसको अच्छा तेज चूल्हे पे कड़कड़ कड़कड़ आए तक, उसके बाद मैं अच्छा लाल हो गए बाद, इसके बाद मैं करियापाक डाली, अदरक लहसुन तल ले रही हूँ, देखिए इसके अंदर इतना मज़े का और इतना ज़बरदस्त होता, देखिए सालन आप 1 महीना भी रख के खाओ ख़राब नहीं होता, उसके बाद मैं हल्दी डाली, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना, देखिए अदरक लहसुन हल्दी नमक डाली, देखिए मैं बघार का तड़का दिए बाद, उसके बाद मैं इसको अच्छा तली देखिए कम ही चूल्हे पे, उसके बाद मैं इसके अंदर पूरे मसाले पीसी ना, मैं मसाले पूरे अच्छा इसके अंदर डालूँ, देखिए इसके ये चमचे से पूरा, ये प्लास्टिक का जो चमचा रहता ना तो कहाँ है सो मसाला भी जार में से आता, देखिए उसको तो मैं निकाल ली, देखिए तो जार धो के थोड़ा पानी डालती हूँ इसके अंदर, वो पूरा लगा हुआ रहता ना तो मसाला रहता उसके अंदर, ये देखिए थोड़ा पानी डाल दूँ मैं, उसके बाद इसको अच्छा भूनती हूँ, देखिए अच्छा कम से कम 15 से 20 मिनट भूनती हूँ, देखिए तो ये मसाला जितना भुने ना अपन बघारे बैंगन मिर्चियों का सालन और बोले तो पसंदे ये पूरे चीज़ा मैखलिया वो जितना भुनेंगे ना तो उतना मज़े का रहता, देखिए इसमें ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर भी डाली देखिए मैं, तो मसालों के साथ वो भी भुने जाता अच्छा, तो ये देखिए कितना अच्छा कितना भून रही ना मैं उसको उतना मज़े का रहता, देखिए कम से कम मैं 10 मिनट भुनी, देखिए 10 मिनट के बाद मैं ढाप कम चूल्हे पे 10 मिनट छोड़ दी थी, 20 मिनट हुआ, देखिए 20 मिनट के बाद फिर थाली निकाल के फिर इसको अच्छा भुनी, देखिए देखिए लाल लाल करी, देखिए भूनते भूनते जितना भुनेंगे ना तो उतना मसालों का सालन उतना ज़बरदस्त होता है, देखिए मैं एक ग्रीन चिल्ली सॉस डाल रही हूँ, देखिए तो ये चमचे से अच्छा 1.5 चमचा डाली, देखिए मैं हरी मिर्ची डाली बोल के इसको 1.5 चमचा डाली, देखिए देखिए मैं उसके बाद इसके अंदर करियापाक डाली आधा कट्टा मैं बघार में डाली, आधा कट्टा बोले तो मैं इसके अंदर डाली, देखिए तो उसको सोप पूरा डाले बाद उसको और 5 मिनट भुनी, देखिए मैं तेज़ चूल्हे पे भून रही हूँ, देखिए कम चूल्हे पे नहीं भून रही, उसके बाद इमली का खट्टा डाली, देखिए इमली भिगा दी थी इसके अंदर, इमली डालने के साथ ही चूल्हा कम कर डाली, ये मसालों का सालन इतना बुरी तरीके से उछलता चुरका लगता, देखिए इसको इतना चूल्हा कमाम भी होता और एकदम आँखों पे ऐसा अपने हाथ को उतना उछल उछल के चुरका लगता उसको, तो फिर इसके अंदर मैं तली भी मिर्ची थी ना मिर्ची भी डाल दी, देखिए इसके अंदर, इसके अंदर आप टमाटे भी छोटे डाल सकते, बैंगन भी डाल सकते, मेरे चैनल पे है देखिए, मैं मिर्चियों का सालन
एक से तीन बार बनाई की, चार बार बनाई की देखिए, तो मेरे चैनल पे है। अब ये प्याज है देखिए तली हुई, तो इसको अच्छा चूर के मैं डाल रही हूँ। ये तली हुई रहती ना तो दम पे डाले तो अच्छा हो जाता है। ये आप मसाले भूनते खुद भी डाल सकते हैं, दम पे भी डाल सकते हैं। तो दम पे डाले तो क्या है, मीठा और मज़े का होता सालन, एकदम खट्टा नहीं होता। देखिए इतना टेस्ट, मीठा मीठा खट्टा खट्टा, शादियों में भी नहीं रहता। वैसी रेसिपी है देखिए, इतनी मज़े की। आप अंडे उबाल के भी खा सकते हैं इसके साथ। उसके बाद इस पे दम पे भी रख दम पे रख रही हूँ देखिए उसको, अंडे उबाल के भी खा सकते हैं आप। गरम गरम खाने में इतना मज़े का रहता, शामिया शिकमपुर के साथ भी खा सकते देखिए आप। इतना मज़े का और इतना ज़बरदस्त रहता देखिए आप। एक महीना भी काम भी सफ़र में भी लेके गए ना तो ख़राब नहीं होता। इसको भून भून के बनाते ना, अगर अपन ऐसे 5 मिनट में भून लिए निकाल लिए तो उसमें क्या होता, सालन में उतना टेस्ट नहीं आता और जल्दी भी ख़राब होता है देखिए। तो मैं पानी थोड़ा उसको अच्छा पूरा भगोना धो के डाली देखिए उसको, कम से कम आधा घंटा पकाई देखिए। मैं आधे घंटे से बढ़ के छुआ देखिए, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट बढ़ के छुआ आधे घंटे से। तो मसाले भुनी देखिए मैं 20 मिनट। उसके बाद इसमें कोथमीर डाली देखिए, एक कट्टा कोथमीर डाल के उसको 5 मिनट में धीमे चूल्हे पे छोड़ देती हूँ देखिए। ज़रा तेल है बाद बंद कर देती हूँ। चाट चाट के खाते बोलते ना वो हिसाब है देखिए। हैदराबाद में दावतों में, छोटे मोटे दावतों में, शादियों में तो आम खास यही रहता देखिए, मिर्चियों का सालन, डबल का मीठा, ऐसा चीज़ें बहुत बिरयानी के साथ। तो होगा देखिए, अब उसको मैं 1-2 मिनट रख के निकाल के बंद कर देती हूँ। देखिए कितना सूरत से जैसा है ना आईने, सीरत भी वैसी छे देखिए इसकी। लाइक और शेयर करिए फराना कुकिंग को।